गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गजाला खातून, योर होम साइंस टीचर। आज मैं आप लोगों को पारिवारिक बजट के बारे में पढ़ाऊंगी। गृहिणी परिवार की मुख्य भूमिका गत होती है। जब भी कोई गृहिणी अपने परिवार का बजट बनाकर कार्य करती है तो उसे परिवार की आय व्यय संतुलन बना रहता है। परिवार के बजट का मुख्य परिभाषा है कि आय व्यय में पूर्वानुमान लगाकर जो भेद किया जाता है उसे पारिवारिक बजट कहते हैं। इसमें कई वैज्ञानिक थे, गृह विज्ञान के जानकार लोग थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषा की थी। उसमें एक प्रोफेसर मार्शल भी थे, उनकी जो बजट की परिभाषा थी उन्होंने बताया कि पारिवारिक बजट का मोटे तौर पर अनुमान जो लगाया जाता है उसे ही बजट कहा जाता है। अब है संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। संतुलित बजट के अंतर्गत इसमें बचत नहीं होती, ना कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा है घाटे का बजट। जब आय से अधिक व्यय बजट में दिखाया जाता है तो वो घाटे का बजट होता है। तीसरा है बचत का बजट। ये बजट सबसे अच्छा होता है, इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है। इससे परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे होमवर्क में लिखेंगे और याद करेंगे।